तेलंगाना देखे न्यूज में अब तमाम के खैर मुकदमे बढ़ते हैं खबर की जानिब। हेलमेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए ताकि इंसानी जिंदगियों की हिफाजत हो सके। इन ख्यालात का इजहार जरियल सुब्बा राइडू आईपीएस डिप्टी कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक वन हैदराबाद ने आज एक तकरीब के दौरान किया। बताया गया कि इस मौके पर जी शंकर राजू असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेगमपेट नॉर्थ जोन ट्रैफिक व दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर बताया गया कि राइडर्स के अंदर और पिलियन राइडर्स को हेलमेट के इस्तेमाल की जानिब तवज्जो दिलवाई गई। बताया गया कि हैदराबाद के अंदर 2023 के अंदर तकरीबन 56 लाख के से ज़ायद टू व्हीलर गाड़ियों का इजाफा हुआ है, जिसमें तकरीबन एक अंदाज़े के मुताबिक 18 लाख के करीब लोग हेलमेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से 1200 रुपये उन्हें फ़ाइन भी आता है और बाज़ वक्त उनका लाइसेंस भी सस्पेंड हो जाता है। इस सिलसिले में बताया गया कि इसके इस्तेमाल से इंसानी जानों की हिफाजत होती है, तो लिहाजा एक शऊर बेदारी प्रोग्राम के तहत आज एक तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर पीजी कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर जे रवि कुमार, वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर मुर्दला और सोसाइटी के प्रोजेक्ट हेड अर्धनाथ जैन व दीगर मौजूद थे। अगर अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरी कर लें। आलमी मुल्क रियासती मुकामी खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल तेलंगाना दक्कन न्यूज़।